हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेशन। आज है 2 सितंबर 2019 और आज हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है असम टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर NRC रीवेरिफिकेशन इन सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पर असम गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी और रीवेरिफिकेशन की जो डिमांड पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, वो डिमांड दोबारा से की जाएगी। 31 अगस्त को NRC प्रोसेस की फाइनल लिस्ट रिलीज की गई, पब्लिश की गई, और इसमें करीब 19 लाख लोगों को एक्सक्लूडेड लिस्ट में डाला गया है। मतलब 19 लाख लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, असम की जेन्युइन सिटीजन्स नहीं माना गया है इनको। तो यहाँ पर इस पब्लिकेशन के बाद ऐसा बोला जा रहा है असम गवर्नमेंट के द्वारा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की जो पूरी प्रोसेस है, इसमें काफ़ी एरर्स की संभावना काफ़ी हाई लेवल पे है, और इस कारण से रीवेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो की जानी चाहिए और इसके लिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर रीवेरिफिकेशन के लिए जो बात की गई है वो असम और बांग्लादेश के जो बॉर्डर हैं उनसे जितने भी डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में 20% रीवेरिफिकेशन की डिमांड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में 10% रीवेरिफिकेशन की डिमांड की गई है। अभी NRC की जो प्रोसेस है पूरी टाइमलाइन हम समझ लेते हैं, शुरू से लेके NRC किस तरह से स्टार्ट हुई थी और किस तरह से फाइनल लिस्ट पब्लिश हुई। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक रजिस्टर है जिसमें असम के जेन्युइन सिटीजन्स का नाम लिखा गया है, और ऐसे रजिस्टर की जो फाइनल लिस्ट है वो 31 अगस्त को पब्लिश की गई। इसको पहली बार बनाया गया था 1951 में सेंसस ऑफ इंडिया के बाद, और उसके बाद 1971 में जो इमिग्रेंट्स का काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स असम में बांग्लादेश से आकर बसे थे, उसके कारण एक बड़ा सेगमेंट असम में डिमांड कर रहा था कि एक बड़े लेवल पे इन्फ्लक्स हुआ है इमिग्रेंट्स का, और इस कारण से जो भी जेन्युइन सिटीजन्स हैं उनका नाम क्लियर होना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, और इस इन्फ्लक्स के कारण जो एजिटेशन किया गया वहाँ के लोगों के द्वारा, उस एजिटेशन में असम अकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया गया, और उसमें कट ऑफ डेट 24 मार्च 1971 फाइनल की गई, और इसी कट ऑफ डेट को बेसिस मानकर ये NRC की प्रोसेस की गई है। अब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा डायरेक्ट किया गया स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि इससे रिलेटेड प्रोसेस कंप्लीट की जाए, और एक नेशनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया जो NRC की पूरी प्रोसेस कोऑर्डिनेट करेंगे और ये प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी टाइमलाइन मैनर में। तो NRC के लिए डॉक्यूमेंट डिमांड किए गए, और 1951 से लेकर 24 मार्च 1971 के बीच जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट थे उन डॉक्यूमेंट को बेसिस मानकर उनका वेरिफिकेशन करने के बाद ही लोगों को NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में एंट्री दी गई, उसमें लोगों का नाम रखा गया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर थे वो थे प्रतीक हजेला, जिनके सुपरविज़न में पूरी NRC की प्रोसेस कंप्लीट हुई है। अब NRC की जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें 19 लाख से ज़्यादा लोगों को एक्सक्लूडेड बताया गया है, और यहाँ पर इस एक्सक्लूजन के बाद करीब 19 लाख लोगों के लिए क्या फ्यूचर होने वाला है आगे आने वाले समय के लिए, ये क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं है। तो यहाँ पर असम गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया है कि जो भी लोग एक्सक्लूडेड हुए हैं उनके पास रेमेडी अभी उपलब्ध है, ऐसे लोग जो लिस्ट में नाम दोबारा से इंक्लूड कराना चाहते हैं या जो जेन्युइन सिटीजन छूट गए हैं तो उनको फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के पास जाना चाहिए और वहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रीवेरिफिकेशन करवाने चाहिए। तो पहला जो लेवल है, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं सिटीजन्स के पास, वो पहले उसका पहला लेवल है फॉरेन ट्राइब्यूनल्स। उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के फैसले के बाद तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के बाद दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट आल्सो, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो 3 अभी जो रेमेडीज़ है वो उपलब्ध हैं, फॉरेन ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें करीब ऐसा माना जा रहा है कि 6 महीने से लेकर 1 साल का टाइम लग जाएगा, और इस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और विदेश मंत्रालय के द्वारा भी ऐसा बोला गया है कि ऐसे केस में और इस टाइम ड्यूरेशन में किसी भी एक्सक्लूडेड पर्सन को फॉरनर या इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं माना जाएगा, किसी को विदेशी नहीं माना जाएगा, और वो लोग स्टेटलेस पीपल नहीं कहलाएंगे इस पूरी प्रोसेस में। और ये पूरी जो
टाइमलाइन है, करीब 6 महीने से 1 साल अगर इस प्रोसेस में लगता है तो वो नॉर्मल इंडियन सिटीजन की तरह ही सारी फैसिलिटीज़ अवेल करेंगे, सारी फैसिलिटीज़ उनको उपलब्ध कराई जाएगी और किसी को फॉरनर नहीं माना जाएगा। तो इस बात को क्लैरिफाई करते हुए विदेश मंत्रालय के द्वारा भी ऐसा अभी बोला गया, सो दैट ये जो लोग हैं इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़े। और एटलीस्ट जो काफ़ी सारे कंसर्न व्यक्त किए जा रहे थे अलग अलग सेगमेंट के द्वारा कि ऐसे लोगों एक्सक्लूडेड लोगों का क्या होने वाला है, उनके फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा, क्या उनको जेल में भरा जाएगा या उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा बांग्लादेश वापस। तो बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसे बयान आ रहे थे, ऐसे कंसर्न जाहिर किए जा रहे थे कि इन लोगों को कहीं बांग्लादेश तो नहीं भेजा जाएगा, ये बांग्लादेश के लिए दूसरी प्रॉब्लम एक बड़ी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर इस बात को क्लैरिफाई करते हुए विदेश मंत्रालय ने यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी ये क्लियर किया कि इंडिया का इंटरनल मैटर है और ऐसे जो लोग हैं इनको प्रॉपर रेमेडीज़ पूरी तरीके से जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाती सारी जो प्रोसेस है फॉरेन ट्राइब्यूनल की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, अगर वो ख़त्म नहीं हो जाती तो उस टाइम ड्यूरेशन तक उनको सारे जो सिटीजन्स के बेनिफिट होते हैं वो दिए जाएंगे, सारे राइट्स वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली एनआरसी की पूरी प्रोसेस के बारे में, एनआरसी के शुरू होने से लेके एनआरसी के फाइनल पब्लिकेशन के बारे में, आगे के लिए क्या किया जाएगा, आगे के लिए ये जो फॉरन रेमेडीज़ हैं उनको यूज़ करके 19 लाख लोगों के द्वारा अलग अलग जो प्रूफ हैं वो दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कुलभूषण टू मीट इंडियन ऑफिशियल्स टुडे। पाकिस्तान के द्वारा आज यानी 2 सितंबर को इंडियन ऑफिशियल्स को अलाउ किया जाएगा कि वो कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तान में अरेस्टेड हैं उनसे मिल सके। अब ये जो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन आया था उसके बाद पाकिस्तान पे ये कंपल्सन या कंपल्सरी कर दिया गया था पाकिस्तान के लिए और उस पर एक बड़ा बर्डन बन गया था कि ये जो मीट है वो अलाउ की जानी चाहिए और जो कुलभूषण जाधव से मिलने पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी इंडियन ऑफिशियल्स पर वो रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट की जाए। तो वियना कन्वेंशन और ICJ के जजमेंट के कारण पाकिस्तान को अब ये अप्रूवल देना पड़ा और इसके बाद आज ये मुलाकात होने वाली है। कुलभूषण जाधव 2016 में बलूचिस्तान प्रोविंस से अरेस्ट किए गए थे ऐसा पाकिस्तान का कहना है और इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की कोर्ट के द्वारा। तो 2016 में ये इंडिया के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर से पकड़े गए थे और पाकिस्तान के मुताबिक ये बलूचिस्तान से पकड़े गए थे। इस कारण से इन्होंने पाकिस्तान ने इनको स्पाइंग के मुद्दे पे इन पे कार्रवाई की और डेथ सेंटेंस दिया जिसके अगेंस्ट ICJ का जजमेंट आया और उसके बाद अब पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस देनी पड़ रही है और जो पूरी प्रोसेस की गई है पाकिस्तान के द्वारा कुलभूषण जाधव को डेथ सेंटेंस देने की वो पूरी प्रोसेस रिव्यू की जाएगी और उसको रैशनल तरीके से किया जाना चाहिए पाकिस्तान के द्वारा, ऐसा ICJ ने बोला था। अब देखने वाली बात होगी आगे किस तरह से पाकिस्तान इस मामले को लेकर चलता है, कितनी जस्टिफाइज तरीके से ICJ का जजमेंट इम्प्लीमेंट किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 5 नए गवर्नर अपॉइंट किए गए अलग अलग स्टेट्स के लिए और एक गवर्नर को ट्रांसफ़र किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नर्स के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और ये किया जाता है अंडर आर्टिकल 155 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के 155 आर्टिकल के तहत गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड न्यू गवर्नर्स फॉर राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। तेलंगाना की गवर्नर बनी है डॉक्टर तमिलिसाई साउंडराजन जो BJP की चीफ थी तमिलनाडु स्टेट की, उनको तेलंगाना की जो गवर्नर इनको तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया है। कलराज मिश्रा राजस्थान के गवर्नर बने हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो ex-CM रह चुके हैं उत्तराखंड के, वो महाराष्ट्र के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। बंदारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं और आसिफ मोहम्मद खान केरला के गवर्नर बने हैं। तो यहाँ पर ये जो अपॉइंटमेंट है ये सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और किस आर्टिकल के तहत किए जाते हैं गवर्नर के अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 155 के तहत किए जाते हैं और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे होता है। तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी के रूप में काम करते हैं गवर्नर जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
अब अगली जो न्यूज़ है वो है मोदी जी जिनपिंग मीट के बारे में, जो कि अक्टूबर के महीने में मल्लापुरम में होने वाली है। तो मल्लापुरम एक हिस्टोरिक टाउन है, इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट टाउन माना जाता है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी क्लासिफाई किया गया है। तो ये जो तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट पे मल्लापुरम टाउन है, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की मीटिंग अक्टूबर महीने में होने वाली है। और ये जो मीटिंग होगी ये इनफॉर्मल मीटिंग होगी। इनफॉर्मल मीटिंग नॉर्मली ऐसी मीटिंग्स होते हैं जिसमें पहले से मुद्दे डिस्कस या पहले से मुद्दे डिसाइडेड नहीं होते, उसी समय जब लीडर्स के द्वारा मीट होती है उसी समय एक तरह से ओपनली डिस्कस किए जाते हैं, और प्री डिसाइडेड एक पैटर्न पे ये मीटिंग की जाती है। पहली जो मीटिंग इनफॉर्मल वे में की गई थी वो इंडिया और चाइना के बीच वुहान समिट थी, जो चाइना में आयोजित की गई थी, और ये सेकेंड इनफॉर्मल मीट मानी जा रही है जो अक्टूबर 11 से अक्टूबर 13 तक होने की संभावना है। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप है उनको इम्प्रूव करने में जो इनफॉर्मल समिट है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। इंडिया ने रसिया के साथ भी कुछ इनफॉर्मल मीट्स की थी। नॉर्मली इनफॉर्मल मीट्स उस समय की जाती हैं जब लीडरशिप को ऐसा लगता है कि जो रिलेशनशिप्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के लिए वो थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आज के टाइम को देखते हुए। तो इसी कारण से अब इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए इनफॉर्मल मीट्स का आयोजन मल्लापुरम में किया जाएगा। इंडिया फेसिंग प्रोलॉन्ग स्लोडाउन, ऐसा कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का। तो ये जो अभी लेटेस्ट जीडीपी के आंकड़े आए थे, 5% जीडीपी ग्रोथ जो पिछले 6 सालों का लोवेस्ट माना जा रहा है, उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा ऐसा बोला गया है कि ये जीडीपी की कंडीशन काफ़ी ग्रिम है, काफ़ी चिंताजनक है, और इंडिया एक तरह से एक लंबा स्लोडाउन की तरफ जा रहा है। इस स्लोडाउन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी करंट में है उसके द्वारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को छोड़कर इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए सॉलिड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। इसका जो कारण बताया गया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वो बताया गया है डीमोनेटाइजेशन जो सरकार के द्वारा किया गया, और जो एक तरह से बहुत ही जल्दी और हेस्टली इम्प्लीमेंट किया गया जीएसटी की पूरी रजीम। तो जीएसटी को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया और डीमोनेटाइजेशन के जो निगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं उसके कारण ये स्लोडाउन आया है, और इसके जो रिज़ल्ट है वो अभी जीडीपी के जो डेटा है उससे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो गई, ऑलमोस्ट ज़ीरो मानी जा रही है इस ग्रोथ को, 0.6% ग्रोथ हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जो पिछले कुछ सालों का लोवेस्ट ग्रोथ है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो स्लोडाउन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनके कारण स्लोडाउन हुआ है। ये फैक्टर्स हैं डिमांड जो बहुत कम हो गई है, उसके कारण कंजम्पशन बहुत कम हो गया है, जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है अभी इस बार का जीएसटी का जो पिछले महीने का अगस्त का कलेक्शन है वो भी काफ़ी कम देखने को मिला है। पिछले 1-2 साल से जीएसटी के कलेक्शन काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है और काफ़ी कम होते हुए दिख रहे हैं। जो जॉब लॉस हुआ है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में, और इन्वेस्टर्स के जो सेंटीमेंट्स हैं वो काफ़ी डाउन हो गए हैं। इस कारण से ओवरऑल इन सब कारणों का फ़र्क पड़ा है इकोनॉमी में, और इसी कारण से काफ़ी स्लो हो गई है। तो यहाँ पर इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी भी ख़त्म करने की या कम करने की कोशिश की जा रही है, उसके कारण भी इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स पे फ़र्क पड़ता है, और इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स जब जब इफ़ेक्टिव होते हैं निगेटिव वे में तो इकोनॉमी पे इसका खासा असर देखा जा सकता है। इसी कारण से ये सारे मुद्दों को देखते हुए इकोनॉमी की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाना चाहिए और सॉलिड स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। और इसमें 2 इशूज़ और हैं। पहला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1,76,000 करोड़ अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र किया गया। ये रिकॉर्ड ट्रांसफ़र माना जा रहा है, इतने बड़े अमाउंट का ट्रांसफ़र कभी भी आरबीआई के द्वारा नहीं किया गया। और ये जो मनी एक्स्ट्रा एकुमुलेट किया गया था ओवर द ईयर्स बाई आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्राइसिस के लिए कंटिजेंसी फंड के रूप में काम करता है। और अगर आरबीआई ऐसा इतने बड़े अमाउंट में फंड सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है तो कहीं ना कहीं आरबीआई की अपनी जो रेजिलियंस है इन केस ऑफ क्राइसिस वो कम हो जाएगी। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा उठाया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वो था कि जिस तरह से बजट में कुछ प्रोविज़न
उठाएगा गवर्नमेंट के द्वारा और बाद में रोल बैक किया गया, उसको बाद में वापस लिए गए, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स को भी और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को लूज़ करता है इंडियन इकोनॉमी में। और ऐसा जो किया गया तो अगर इन्वेस्टर नहीं आएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, तो इकोनॉमी एक लंबे समय तक स्लो डाउन में ही रहने वाली है। तो इसलिए इस स्लो डाउन को हटाने के लिए जो मीज़र्स हैं वो इमिडिएटली लिए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। जॉब्स जो पिछले कुछ महीनों में बड़े लेवल पे गई हैं, उन जॉब्स को अच्छे लेवल पे दिया जाए लोगों को, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बढ़े, तो ऐसे काम किए जाने चाहिए सो दैट ये जो स्लो डाउन की कंडीशन है इससे बाहर आया जा सके और इंडियन इकॉनमी जो एक अच्छे लेवल पे ग्रो करने का एक स्टेबल अच्छे लेवल पे ग्रो करने इंडियन इकॉनमी एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकती है। तो ऐसे लेवल पे लाने के लिए ज़रूरी है कि जो बेसिक और फंडामेंटल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग किए जाने की ज़रूरत है। तो ये बात की गई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ पर एक और न्यूज़ है, 3900 चालान्स इशूड ऑन डे वन ऑफ न्यू मोटर व्हीकल एक्ट। अब दिल्ली पुलिस के द्वारा कल के दिन 1 सितंबर को 3900 चालान इशू किए गए और ये जो इशू किए गए चालान हैं ये नए मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग इशू किए गए हैं। कल के दिन से यानी 1 सितंबर 2019 से नए मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रोविज़न है वो इम्प्लीमेंट किए गए और जो भी अलग अलग ट्रैफिक रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उनमें पेनल्टीज़ और फ़ाइन की जो लेवल था पहले उनसे काफ़ी लेवल में ये फ़ाइन बढ़ाए गए हैं और ये कल के दिन से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो इसी नए रूल के अकॉर्डिंग 4000 चालान के करीब इशू किए गए और अभी पूरे देश में ये नए बढ़े हुए फाइन्स और पेनल्टीज़ एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ है सदर्न कमांड गोल्ड ट्रॉफी के बारे में। सदर्न कमांड गोल्ड ट्रॉफी पुणे में आयोजित की जाती है और ये 1948 से एक हॉर्स राइडिंग गेम की तरह आयोजित की जाती है। यहाँ पर सदर्न कमांड इंडिया का ओल्डेस्ट आर्मी फील्ड माना जाता है। तो सदर्न कमांड जो फील्ड है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में, वो इंडिया का ओल्डेस्ट आर्मी फील्ड है जो करीब 100 साल से लगातार हॉर्स राइडिंग और आर्मी के स्पोर्ट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर एक जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में दिया गया है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक मार्शल आर्ट टेक्निक है केरला की कलारी पट्टू एक एंशियंट मार्शल आर्ट टेक्निक है जो नॉर्मली केरला में काफ़ी बड़े लेवल में एंशियंट टाइम से यूज़ की जा रही है। 3rd century BC से ये यूज़ की जा रही है और एंशियंट ओरिजिन माना जाता है इसका। और इस जो टेक्निक में यूज़ किए जाते हैं जो इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट है स्पीयर्स, स्वॉर्ड, शील्ड, बाउ एंड एरो। तो धनुष बाण और तलवार और शील्ड का यूज़ करके ये कलारी पट्टू मार्शल आर्ट टेक्निक परफॉर्म की जाती है और ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये इंडिया के कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज़ ब्रिटिश से लड़ने के लिए भी फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा और केरला में काफ़ी ट्राइबल लोगों के द्वारा इस टेक्निक का यूज़ किया गया था और एंशियंट टाइम से काफ़ी वॉर्स में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कलारीपट्टू केरला की ओल्ड एंशियंट मार्शल आर्ट टेक्निक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कलारीपट्टू क्या है और ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो आंसर होगा कलारीपट्टू ओल्ड मार्शल आर्ट टेक्निक केरला स्टेट। चंद्रयान लैंडर टू सेपरेट टुडे। अब आज यानी 2 सितंबर को चंद्रयान लैंडर जिसका नाम है विक्रम ये सेपरेट होने वाला है ऑर्बिटर से। इंडिया का पहला टचडाउन मिशन चंद्रयान 2 को बोला जाता है और ये चंद्रमा के साउथ रीजन यानी साउथ पोल पर लैंड करने के लिए प्लान किया गया है। और जो सबसे क्रिटिकल इवेंट अब होने वाला है आज वो है लैंडर विक्रम का सेपरेशन फ्रॉम द ऑर्बिटर और उसके बाद जो लैंडर का स्मूथ डिसेंट होना है, अल्टीमेटली ये सदर्न क्रेटर एरिया में लैंड किया जाना है 7 सितंबर तक। तो 2 सितंबर को ये सेपरेट होगा लैंडर और ये सीधे चंद्रमा में धीरे धीरे करके उसके सरफेस की तरफ जाएगा और 7 सितंबर को इसको अल्टीमेटली चंद्रमा के सरफेस पर लैंड किया जाना है। तो ये दो अब सबसे बड़े क्रिटिकल
मैनूवर बाकी हैं जिनको किया जाना है इसरो के द्वारा। चंद्रयान 2 इंडिया का दूसरा लूनार मिशन है, ये ऑर्बिटर लैंडर और रोवर मिशन है। इसमें लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई से और 7 सितंबर को ये एक तरह से लैंड करने वाला है चंद्रमा की सरफेस पे। नेक्स्ट न्यूज़ है रिसाइकेबल आइडल्स के बारे में। विनायक चतुर्दशी के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में, विनायक चतुर्दशी के उपलक्ष्य में तिरुपति में गणेश जी की 2 बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं जो रिसाइकेबल आइटम से बनाई गई हैं, रिसाइकेबल मूर्ति माना जा रहा है। और इसमें जो 2 मूर्तियां बनाई गई हैं, ये पहली मूर्ति बैंगल्स से बनाई गई है यानी चूड़ियों से बनाई गई है और दूसरी मूर्ति कोपरा की हेल्प से बनाई गई है। कोपरा ड्राई कोकोनट को बोलते हैं, तो पहली मूर्ति बेंगल से बनाई गई है, दूसरी मूर्ति कोपरा यानी ड्राई कोकोनट से बनाई गई है। इसको इमर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो एक तरह से एनवायरमेंटल अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है। और जो पहले POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां बनाई जाती थी, अब रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स से बनाई जा रही है। और अल्टीमेटली ये जो मूर्तियां बनती हैं ये वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट ना करें, इस कारण से काफ़ी जगह पे अब ये मूर्तियां कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करें, इसीलिए रिसाइक्लेबल मटेरियल से बनाई जा रही है। तो ये जो मूर्ति बनाई गई है ये अल्टीमेटली डिसमेंटल की जाने वाली है और इसको डिवोटीज़ में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इसको अल्टीमेटली जो वाटर में डुबोने की ज़रूरत होती है या इमर्सन की ज़रूरत होती है वो नहीं करना पड़ेगा। तो वाटर बॉडीज़ के लिए ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी और पूरी तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही होने वाली है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है JNU रिव्यूइंग पोजीशंस ऑफ एमेरिटस प्रोफेसर। यहाँ पर JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा एक जो एमेरिटस प्रोफेसर्स को अपॉइंट करने की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बाद जो प्रोफेसर अपॉइंट किए गए हैं उनकी एमेरिट्स स्टेटस को रिव्यू किया जाएगा आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ एज ऑफ प्रोफेसर। तो ऐसा डिसीजन लिया गया है। यहाँ पर एमेरिट्स प्रोफेसर क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए। एमेरिट्स प्रोफेसर एक रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर होते हैं JNU में जिन्होंने काम किया है और जो रिटायरमेंट के बाद उनको एक डेजिग्नेशन दी जाती है एमेरिट्स प्रोफेसर के नाम से। और एक तरह से उनके द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूट किया गया अपने करियर में यूनिवर्सिटी के लिए, उन कंट्रीब्यूशन को एक अच्छे लेवल पे रिकॉग्निशन देने के लिए उनको ये जो स्टेटस है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर एमेरिटस प्रोफेसर एक रिटायर्ड प्रोफेसर को बोला जाता है जो लाइफ टाइम के लिए एमेरिटस प्रोफेसर के स्टेटस के तौर पर जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पर कुछ एमेरिट्स प्रोफेसर हैं जैसे रोमिला थापर जो हिस्टोरियन है, एक बड़े लेवल पर काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड इनकी बुक आती है, वो एमेरिट्स प्रोफेसर हैं JNU की। और दूसरे सोशलिस्ट TK ओमैन जो सोसाइटी से रिलेटेड मुद्दों में जिन्होंने काम किया है और उससे रिलेटेड जो टीचिंग है वो की जाती थी इनके द्वारा JNU में। तो JNU ने जिन लोगों को एमेरिट्स प्रोफेसर्स नियुक्त किया है या ये स्टेटस दिया है और जिनकी एक 75 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है, तो उन लोगों का एमेरिट्स प्रोफेसर के स्टेटस को रिव्यू किया जाएगा, ऐसा बोला गया JNU के द्वारा। अब यहाँ पर एक न्यूज़ है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने को अपॉइंट किया गया है नया वाइस चीफ ऑफ आर्मी। सो नए आर्मी के वाइस चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ये इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से डायरेक्टली एग्ज़ाम में। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, नो स्टेटलेस पीपुल सेज इंडिया। इंडिया में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि जब तक सारे जो प्रोविजंस हैं असम के एक्सक्लूडेड लोगों के द्वारा अवेल नहीं की जाते तब तक उनको फॉरनर नहीं बोला जाएगा और स्टेटलेस नहीं माना जाएगा। तो ऐसा बोला है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रसिया टू ट्रेन इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। अब इंडिया और रसिया के बीच टाइप किया गया है गगनयान मिशन के लिए। गगनयान मिशन क्या है? गगनयान मिशन इंडिया का मैंड स्पेस मिशन होने वाला है और इंडिया और रसिया एक तरह से कोऑपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं ताकि रसिया की तरफ से इंडियन
साइंटिस्ट को ट्रेन किया जा सके गगनयान मिशन के लिए। अब मॉस्को अपनी हेल्प दे रहा है 4 और 5 क्रिटिकल एरियाज में इंडिया के इस मिशन के लिए, और इंडियन एक फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी मॉस्को में इंडियन एम्बेसी में, ताकि ये कॉपरेशन इस कॉपरेशन को बढ़ाया जा सके। अब इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, रसिया के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी इंडियन साइंटिस्ट को, सो डैट एक स्किल्ड वे में इंडियन साइंटिस्ट जिनको गगनयान मिशन के थ्रू स्पेस में भेजा जाना है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाने वाली है रसिया के द्वारा। यहाँ पर रसिया का खुद का जो अपना एक्सपीरियंस है मैंड मिशन में, ये काफ़ी लंबे समय का एक्सपीरियंस है, और इसी एक्सपीरियंस को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रसिया से हेल्प लेने की बात की गई है। जो गगनयान मिशन है इसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री के द्वारा 2018 में 15 अगस्त के दिन किया गया था, और ये 2022 तक इसका डेडलाइन रखा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि 2022 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा 2022 में। अब इसके बाद इसरो के द्वारा एक पूरी प्लानिंग की गई, और 3 manned crew के लिए ये लो अर्थ ऑर्बिट का मिशन तैयार किया गया। जो ये गगनयान मिशन है वो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए प्लान किया जा रहा है, और 5 से 7 दिन तक 3 crew members स्पेस में रहेंगे, और ये जो लॉन्च व्हीकल होगा ये व्हीकल होगा GSLV Mark 3, यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से 3 scientists को भेजा जाएगा 5 से 7 दिन के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में, और इसी की ट्रेनिंग के लिए रसिया से कोऑपरेशन किया जा रहा है। तो अभी 15 महीने की ट्रेनिंग कराई जाएगी करीब 4 scientists को, उसके बाद उन लोगों में से 3 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद 6 से 8 हफ्ते की एडवांस लेवल की ट्रेनिंग इंडिया में दी जाएगी, और 2021 के एंड में ये गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा अभी की प्लानिंग के अकॉर्डिंगली। तो इंडिया रसिया का टाइप हो रहा है गगनयान मिशन से रिलेटेड ट्रेनिंग्स के लिए। अब विदेश मंत्री यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एस जयशंकर के द्वारा ऐसा बोला गया है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है जम्मू और कश्मीर में जो अभी कर्फ्यू की कंडीशन बनी हुई है, और जो इतने बड़े लेवल पे ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं उन ट्रूप्स को कम किया जाएगा, और जम्मू और कश्मीर एरिया में रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जाएगा। तो ऐसा बोला गया है इनके द्वारा यूरोपियन कमीशन की एक मीटिंग में, और यूरोपियन कंट्रीज से बातचीत के दौरान उनके द्वारा ऐसा बोला गया है, और कहीं ना कहीं यूरोप के जो देश हैं उनके द्वारा कुछ कंसर्न रेज किए जा रहे थे कश्मीर की अभी कंडीशन को देखते हुए, और इन्हीं कंडीशंस को और इन्हीं कंसर्न्स को एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश की गई है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा। तो ये जो ट्रूप्स का रिडक्शन है ये कब तक किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, और ये करीब 1 महीना पूरा होने वाला है जम्मू और कश्मीर में रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए। तो 5 अगस्त 2019 को ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए थे, और 370 आर्टिकल को एब्रोग्रेट किया गया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, और अभी तक काफ़ी बड़े लेवल पे जो आर्मी और पैरा मिलिट्री के जो जवान्स हैं वो अलग अलग रीजन्स में डिप्लॉय किए गए हैं। तो इनको किस तरह और कितने टाइम में रिड्यूस किया जाएगा ये एक देखने वाली बात होगी। इंडिया पाकिस्तान टू होल्ड टॉक्स ऑन करतारपुर कॉरिडोर ऑन September 4। अब इंडिया के द्वारा पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया गया था कि जो 3rd level का टॉक है करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड वो शुरू किया जाए, पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, और 4 September को बातचीत की जाने वाली है, और ये 3rd round की टॉक होगी करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। करतारपुर कॉरिडोर गुरु नानक देव की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए बनाया जा रहा है। करतारपुर पाकिस्तान को ये कनेक्ट करेगा गुरदासपुर इंडिया से, और ये कॉरिडोर रावी रिवर पर बनाया जाएगा। ये जो 3rd talk होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, बिकॉज आर्टिकल 370 जब से कश्मीर में लगाया गया था उसके बाद पहली बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये बातचीत की जाने वाली है किसी मुद्दे पे, तो इसीलिए ये काफ़ी क्रिटिकल और काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। इस करतारपुर कॉरिडोर के बारे में इंडिया के कुछ कंसर्न थे
जो डिस्कस किए गए पहले दो टॉक्स में, और यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के द्वारा इस पूरे रीजन में वीज़ा फ्री एक्सेस दी जाएगी, और पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान में गुरुद्वारे में जहाँ पर गुरु नानक देव ने अपने लाइफ के अंतिम वर्ष बिताए थे, तो वहाँ पर आने जाने के लिए इंडिया की तरफ से अगर कोई आएगा जाएगा या फिर वर्ल्ड में किसी भी कोने से अगर कोई आता है तो उसके लिए बिना वीज़ा के एंट्री दी जाएगी। इस बात के लिए भी पाकिस्तान अभी रेडी हो गया है और इसी कारण से ये बातचीत आगे बढ़ रही है। तो इस मुद्दे पे अभी इंडिया और पाकिस्तान एक साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहे हैं अभी तक, और ये जो सेलिब्रेशन किया जाना है या स्टार्ट होना है ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा, तो उससे पहले ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं और जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है ये कंप्लीट किए जाने की ज़रूरत है, सो दैट 550वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन गुरु नानक जी का ये एक अच्छे लेवल में दोनों कंट्रीज़ के पिलग्रिम्स के द्वारा मनाया जा सके। हांगकांग में जो कंडीशन है अभी वो और ज़्यादा बुरी होती जा रही है, और जो प्रोटेस्टर्स के द्वारा अभी रिसेंटली एयरपोर्ट को ब्लॉक किया गया जिसके कारण फ़्लाइट्स को भी 12 दर्जन से एक दर्जन से ज़्यादा फ़्लाइट्स को कैंसिल करने की ज़रूरत पड़ी, तो ये काफ़ी वायलेंट होता जा रहा है ये पूरा प्रोटेस्ट। जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था एक बिल के अगेंस्ट और धीरे धीरे ये चेंज होता चला गया, नए नए ग्रीवांसेस को लेते हुए और नए नए मुद्दों को लेते हुए एक ब्रॉडर एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट शुरू हो गया है यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट, चाइना की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट और चाइना के वन कंट्री टू सिस्टम के अगेंस्ट। हांगकांग चाइना से पहले ब्रिटेन की टेरिटरी हुआ करता था, ब्रिटेन का कॉलोनियल एक तरह से इंटरेस्ट था वहाँ पर और ब्रिटेन का राज चलता था, लेकिन 1997 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया चाइना को बेस्ड ऑन अ ट्रीटी, और उसके बाद चाइना गवर्नमेंट का ही यहाँ पर रूल चलता है। हांगकांग में डेमोक्रेटिक रूल है लेकिन इसके चाइना के द्वारा ये गवर्न किया जाता है। चाइनाज प्रिजन स्वेल वेल सर्ज इन अरेस्ट ऑफ मुस्लिम। अब चाइना के एक रीजन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जिनजियांग रीजन जो चाइना के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, यहाँ पर मेनली जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में है, और उस कम्युनिटी में मेनली यूगर्स मुस्लिम और कजाक्स मुस्लिम ज़्यादातर पाए जाते हैं जो कंट्री की इस पूरे रीजन की आधी पॉपुलेशन को बनाते हैं। तो इन मुस्लिम कम्युनिटी पे चाइना की तरफ से जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो रवैया रहा है, जो बिहेवियर रहा है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा है, चाइना के द्वारा काफ़ी हार्श मेथड कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इस मुस्लिम रीजन में, बिकॉज चाइना का ऐसा मानना है कि इस मुस्लिम रीजन में काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इवॉल्व होती हैं और उसके कारण ही चाइना यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा के रहता है। वैसे तो चाइना कंट्री में इंडिया में कश्मीर के बारे में बहुत बोलता रहता है कि इंडिया को कश्मीर में लोगों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए, और अभी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद भी चाइना के द्वारा जो यूएनएससी में रिजोल्यूशन मूव किया गया, इंडिया को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई, बट अपने देश में खुद चाइना एक बड़े लेवल में मुस्लिम्स और इस कम्युनिटी का प्रोसिक्यूशन करता है और एक बहुत पुराने टाइम से हार्श मेथड यूज़ कर रहा है चाइना इस कम्युनिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो जिनजियांग रीजन इसी के बारे में जाना जाता है, और उसी कारण से चाइना ने अभी रिसेंटली थोड़ी अपनी पॉलिसी चेंज करके जो कैंप्स हैं वहाँ पर इन लोगों को एक तरह से नज़रबंद रखने की कोशिश की, और चाइनीज़ गवर्नमेंट लेकिन इनको री एजुकेशन कैंप बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम इन लोगों को तरीके सिखा रहे हैं री एजुकेशन कैंप में डाल के, बट अभी दोबारा से इस कम्युनिटी के लोगों को जेल में भरा जाने लगा इस रीज़न में। तो यहाँ पर जिनजियांग रीज़न इम्पॉर्टेंट है, ये चाइना में है, मेनली मुस्लिम माइनॉरिटी में है यहाँ पर, और उघर और कजाक मुस्लिम आदि पॉपुलेशन बनाते हैं यहाँ की। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।